हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अव्यल बनाना सिखा रही हूँ। ये अव्यल के लिए इतना सब्जी हम पूरा कट करके रखा है। इसमें नारियल और जीरा, हल्दी, हरी मिर्ची, करी पत्ता, प्याज और दो तीन लहसुन इतना डालना है। पीस के डालना है। अभी बनाने का तरीका दिखाती हूँ। इतना इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और ये देखो, दो चम्मच नारियल का तेल डालना। उसके बाद थोड़ा राई डालना। करी पत्ता डालना। कटे हुए वेजिटेबल डालना। ये तो थोड़ा ये कद्दू है, इसको पहले डालना, बाद में नेक्स्ट दूसरा वेजिटेबल डालना। और ड्रमस्टिक डालना। ये चार पांच लोगों के लिए काफ़ी है। और थोड़ा हरी मिर्ची भी डालना। तो अच्छी तरह से मिक्स करना। और ये बैंगन भी डालना, टमाटर भी डालना। अभी इतना सारा सब्जियां डाल दिया। आप लोगों के पास और भी कोई सब्जियां है तो डाल सकते, खाली भिंडी नहीं डालना। ये मेरा फ्रेंड्स बोले अव्यल दिखाओ, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ। अभी स्टोव स्लो में लगाना, फिर उसको ढक के उसमें थोड़ा पड़ी पड़े उसमें थोड़ा हल्दी और उप थोड़ा हल्दी और नमक डाल देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। अभी इसमें पानी नहीं डालना, ये धीमी आंच पे लगाना। अभी ये पकने के बाद अभी 15-20 मिनट तक रखने से पूरा सब्जियां पक गया। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला और नमक, हल्दी, हरी मिर्ची सब डाल के ये पक गया। उसके बाद नारियल, वो पिसा हुआ नारियल और जीरा, हरी मिर्ची, करी पत्ता ये डालना है। स्टोव धीरे रखना चाहिए, ज़्यादा
उसमें रखे तो फ्लेम में रखे तो फिर सब्जियां बहुत ये हो जाएगा, इसलिए अभी नारियल पूरा इसमें मिक्स करना और थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा नहीं डालना। अभी इसको अच्छी तरफ मिक्स करना। अभी स्टव फुल रखना। ये नारियल पूरा इसमें ये 5 मिनट बंद करके रखना। ये नारियल इसमें अच्छी तरफ मिक्स हो गया, उसके बाद एक कटोरी दही डालना है इसमें। अभी थोड़ा लास्ट में थोड़ा करी पत्ता डालना, उसके बाद कोकोनट ऑयल डालना। आप लोगों को कोकोनट ऑयल पसंद नहीं है तो आप लोग जो तेल यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, और तड़का में भी कोकोनट ऑयल यूज़ कराना है। आप लोगों को कोकोनट ऑयल पसंद नहीं है तो आप लोग कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन ये नारियल डाल के ऐसे मिक्स करके दही डाल के ये करना। और आप लोगों को ऐसे स्टोव में कढ़ाई में बनाने का इंटरेस्ट नहीं है तो कुकर में ये पूरा मिक्स करके वेजिटेबल और जो पिसा हुआ नारियल सब मिक्स करके नमक सब डाल के एक विसल होने के बाद बंद कर देना। उसके बाद आप दही डाल के थोड़ा तेल डाल के निकाल लेना, वो भी अच्छा है, वो भी जल्दी होता है। अभी सबको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए। ये मैं बंद कर रही हूँ, अभी मैं दूसरा बर्तन में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अवियल बन गया, ये बहुत टेस्टी करी है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।